नमस्कार। तो सुन लो मेरे यार, आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ट्रूम ट्रूम के लाइफ एक्स पे। इससे पहले मैंने बनाया था वू के लाइफ एक्स पे और फनीएस्ट एड पे इन इंडिया। इस बार हम लोग ट्रूम ट्रूम के लाइफ एक्स पे बनाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकलोली किए। तो ये रहा पहला इस वीडियो आपके सामने। इसमें जो इसकी छोटी बहन रहती है वो अपनी बड़ी बहन से फ़ोन मांगती है, लेकिन बड़ी बहन बोलती है मैं तुझे नहीं दूंगी, जो तुम करना है कर लो जाओ। लेकिन छोटी बहन बोलती है मुझे फ़ोन दो। इसकी मम्मी तभी देख लेती है और वो सोचती है एक आइडिया और बोलती है फ़ोन मुझे दे दो। और दोनों उदास होकर वहाँ पर बैठ जाते, सोचते हैं तुम्हारी गलती मेरी गलती। और फिर वो जाती है और वह एक आइडिया रहता है, वो निकालती है ब्लेड और फ़ोन को देती है बीच से काट तेरी भैंस की टैंट। और ये फ़ोन कट गया, दो हिस्से में बट गया। अब दोनों को मिलेगा बराबर बराबर का हिस्सा। ख़त्म हो गया यहाँ लाइफ हैक का खिस्सा। जल्दी दो भैया उसको। ये रहा, अब दोनों बहनें हो गई खुश। वाह भाई, इसकी माँ ने क्या दिमाग पाया है। अगर दोनों एक फ़ोन के लड़ रहे हैं तो फ़ोन को ही बीच में से काट दो ना यार, दोनों में बांट दो। वेल डन, इसकी माँ को तो सलामी है। दोनों बच्चों के चेहरे तो देखो कैसे खुश मिजाज लग रहे हैं। भाई साहब उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा मेरी मम्मी बीच में से काट दी है, वो भी काट के आए फ़ोन। साला मेरा दो टकिया फ़ोन बटन मारा के नीचे गिर जाता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, और इन्होंने तो आईफोन ही सीधे काट दिया। अभी काटा के तब खुशी से कितने बांट रहे यार, ये लो आधा। क्या करेगी वो आधा आधा फ़ोन का? नहीं, उससे क्या करेगी, फ़ोटो खींचेगी। साले फ़ोटो खींचने का क्या, ऑन नहीं कर सकती है वो ऑन। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, उस फ़ोन का होगा क्या अब आधा आधा बोर्ड का? क्या उसमें लूडो खेलेंगे? नहीं, गांडो थे गया। छः साढ़े छः के छः पिछवाड़े में मारना चाहिए तुम लोग लाइफ के वालों के। साढ़े सस्ते नशे करके आते हो के बावड़े लोग। मैं दिमाग लगा के बनाओ लाइफ हैक्स। लाइफ हैक की ये वो एक कर देते हैं, साले सुधर जाओ। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगली लाइफ हैक। और यह आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पर ये दोनों बहनें को नाश्ता मिलता है उसकी मम्मी के द्वारा। लेकिन छोटी बहन देखती है कि मेरी बड़ी बहन को बर्गर मिला, मुझे भी बर्गर चाहिए, और वो छीन ले लेती है बर्गर को। बड़ी बहन बोलती है नहीं मैं तुझे नहीं लूँगी, छोटी बहन बोलती है नहीं मैं लूँगी। डो 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 लो डो, और इसमें गया प्लेट टूट। अब देखो पीछे से आ गया उसकी मम्मी का भूत, दोनों को दे रही है गुस्से से, दोनों परेशान, दोनों बोल रही है उसने किया इसने किया। मम्मी को आ गया फिर से एक लाइफ हैक का बेहुदा सा आइडिया, प्लेट में चिपका दी ये चीज़ और श्वेत लगा दी टेबल पे, जिसके कारण बच्ची बर्गर ले ना सके। वाओ, व्हाट अ लाइफ हैक, ये लाइफ हैक तो बड़ा अच्छा है। यस, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सारे पहले ये लाइफ हैक हटा दो, पहले मेरी ये बात सुनो। प्लेट मम्मी के सामने गिर गया और मम्मी ने कुछ नहीं किया, बस देखा और एक छोटा सा चिपकू गम देके चिपका दिया। मेरी मम्मी रहती ना, जानते हैं क्या करती, डंडिया मार मार के उसके पिछवाड़े का नॉर्थ पोल साउथ पोल बिगाड़ देता। और ये कौन सा लाइफ हैक था यार, ये मेरी मम्मी करती पहले तो मेरे साथ, उसके बाद सोचती क्या करना आ गया के। और बस ये लाइफ हैक क्या था कि कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे को खाने नहीं देना है बर्गर। हैं नहीं, बच्चे पे अन्याय कर रहे हो, बेशरम बेलज्जो बेहुदा बेहया बे 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 सब कुछ बे हो तुम सारे गधे हो। क्या बोलूँ तुम लोग को यार, तुम लोग कुछ भी लाइफ हैक बना के डाल देते हो। नहीं मतलब बच्चे को बर्गर खाने नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए, प्लेट टूट जाए, बर्गर गिर जाए, फिर से एक गम चिपका देंगे, बच्ची का मुंह दुख जाए, बच्चा ऊपर जाके कूद जाए, जो करे, लेकिन उसे बर्गर खाने नहीं देना है, ये लाइफ हैक। सारे गधे आदमी गधी औरत। भाई ये लाइफ हैक तो मेरे सर से ऊपर चल गया। इस लाइफ हैक को अगर तुम लोग समझे हो तो प्लीज़ कमेंट बताना कि इस लाइफ हैक में बता के आ रहे थे कि बच्चे को कभी बर्गर खाने नहीं देना चाहिए, कि प्लेट टूट जाए लेकिन बर्गर ना छूटे, ऐसा कि क्या हुआ ये मुझे कमेंट में अगर बताना है तो बता देना। तो अगला वीडियो मींस अगला लाइफ हैक स्टार्ट करते हैं अभी के अभी।
यहाँ पे बच्चे को बुखार है इसलिए मैडम ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर नीडल दिखाया, मैडम डर गई, बोली ये बच्ची डरती है नीडल से। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, डॉक्टर को ने ऐसा बोला और उन्होंने निकाला एक बटरफ्लाई वाली सुंदर सी इंजेक्शन। इंजेक्शन ले गया और इंजेक्शन को दिखाया बच्चे को। इंजेक्शन ऐसे हिलाया और बच्चे को चुपट से लगाया। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया और वो हंस के बोल दी सब ठीक है भाया, बाय बाय मैडम। चलते चलते बोल गया ये डॉक्टर। इतनी बच्ची कितनी भोली थी, लाइफ हैक इस बार दिखाया कैसा। मुझे तो ठीक ही लगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ बच्चों, क्या दर्द नहीं हुआ? नहीं वो क्या निडल का एकदम सॉफ्ट हो गया, उसमें ये तितली वाला स्टिकर चिपका के निडल चुभा नहीं उसको है एक बार में? बच्ची तो एकदम शांत हो गई भाई साहब, बड़ा अच्छा लाइफ हैक था, डॉक्टरों को करना चाहिए ऐसा। लेकिन एक बात बता भैया, इतना दिमाग लाते कहाँ से हो, थोड़ा सा पेश आओ, थोड़ा डॉक्टर लगा लेंगे। नहीं इतने साल से जो बच्चे रो रहे हैं ये तो बेकार रो रहे हैं, तुम्हारा आइडिया तो पहले ही मिल जाना चाहिए। लोग तो ऐसे इंजेक्शन में तितलियाँ लगा के, गेंडे लगा के, भैंस लगा के, सॉरी ये सब देख के तो बच्चे और डर जाएंगे, तितलियाँ लगा के और क्या अच्छे अच्छे छोटे मोटे जानवर वानवर लगा के दिखा के आराम से छुआ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं वो क्या क्या कुछ भी एक हिसाब से अच्छा भी है, लेकिन एक हिसाब से जो बच्चे तेज होंगे ना, जो जो दिमाग मतलब जो भोले भाले नहीं होंगे, दो रैप्टे घींच के मारेंगे पता भी नहीं चलेगा। सारे बेवकूफ़ आदमी, चलो ठीक है ये लाइफ ठीक ही था, इतना ख़राब भी नहीं था, अच्छे था लाइफ है। का तारीफ कर रहा हूँ मैं, इसके लिए एक लाइक दे दो दे दो दे दो और सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल बजा देना। एक और वीडियो है देख लो देख लो देख लो, एक और लाइफ है देख लो। इसमें जो बच्ची रहती है वो अपनी मम्मी को बोलती है मैं मेरे साथ खेल रहा, लेकिन मम्मी अपने काम में बिजी रहती है। मम्मी बोलती है नहीं मैं तो ऐसा नहीं खेल सकती हूँ। तभी बोलती नहीं खेलो ना, पूरा परेशान करती है मम्मी खेलो 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 मम्मी खेलो मम्मी खेलो खेलो खेलो। मम्मी के बाल नोचती है, मम्मी के तकिया से सोफे में उछलती है, मम्मी पे जाती है, मम्मी को बोलती है खेलो मेरे साथ थोड़ा सा गेम, खेलो ना मम्मी। सो गई सोफे में बेचारी थक के, तब भी नहीं जोश नहीं गया इसके अंदर का, तब भी ये खेल रही है खेलने बोल रही है खेल रही है खेल रही है। अब जब सो उदास होकर बैठ रही मम्मी को लगा रही बेटी तो उदास हो गई, तो इन्होंने अपना रेक ड्रॉवर खोला और उसमें से एक बबल वाला प्लास्टिक आ लिया और उसे फोड़ने लगी, दोनों मिलके फोड़ने लगी आराम से एकदम। मम्मी बहुत टेंशन में आ गई, वो भी बबल फोड़ने लगी और काम धाम सब भूल गई। कुछ भी भाई ये लाइफ है एकदम टेंशन फ्री था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक प्लास्टिक ले लो बबल फोड़ो। लेकिन एक बात बताओ, बच्ची ने इतना परेशान किया अपनी मम्मी को, मम्मी ने कुछ किया ही नहीं। अगर मम्मी मेरी मम्मी रहती ना, मेरी मम्मी कुछ ऐसा करती। अरे यार ऐसा ही होता, सही बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है थोड़ा सा भी परेशान करने पर। यार एक वर्ड बोल दो तो रायगा पहाड़ बना देती है मम्मी लोग, तभी मम्मी अच्छी होती है। लेकिन एक बात बताओ भैया, उनको जब काम धंधा था तब बबल फोड़ना स्टार्ट की और काम धंधा सब भूल गई। नहीं इतना बच्चे ने परेशान किया यार, बच्चे साथ एक मिनट खेली रहती सारे। इस लाइफ हैक का मतलब क्या था? ये लाइफ हैक ही है, ये टट्टी नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा होगा ये टट्टी है, लेकिन ये लाइफ नया हैक है, बड़ा भयानक ही लाइफ हैक है। कुछ समझ में आया? फरे दिमाग से अति जहरीला और गंदीला लाइफ हैक था। छोड़ो यार अगला लाइफ हैक करते हैं अभी का अभी स्टार्ट। लेकिन भाई अब तो सारे के सारे लाइफ हैक ख़त्म हो गए। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई तो लाइफ हैक करते हैं वे ख़त्म, धन धना धन धन। तो वीडियो को एंड तक देखा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल बजा देना और तो और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, फैला दो और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, फैला दो वीडियो। ठीक है अभी के लिए बाय बाय।